अपने स्मार्टफोन्स के बारे में बहुत सारी बातें जानने के लिए और बहुत सारे नए नए चीज़ों को सीखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल फोन प्लस को, और साथ ही ये नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। हेलो नमस्कार दोस्तों, फोन प्लस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि आप अपने फ़ोन में होम, ये जो होम की है और बैक की है और ये तीनों जो नेविगेशन की है, ये हार्ड की जगह आप सॉफ्ट की कैसे यूज करेंगे। जैसे कि आप अभी एसिड और एसिड प्लस में आ रहा है सॉफ्ट की, वैसा वाला की आप ये फ़ोन में, कि पुराना देखिए मेरा एक S3 है, नियो है पुराना वाला, कोई भी फ़ोन में आप यूज कर सकते हैं। कई बार क्या होता है बहुत छोटे छोटे फ़ोन में जो भी आपका कम बजट का फ़ोन था, ये की ख़राब हो जाता है, तो आपको उसको रिप्लेस करने के लिए पूरा टच पैनल को रिप्लेस करना पड़ता है, उसके लिए बहुत खर्चा आता है। उसकी जगह भी आप सॉफ्ट की यूज कर सकते हैं। और अगर ये आपका तीनों बटन ख़राब भी हो जाए तो आप उसको यूज कर सकते हैं बिना कोई खर्चा किए। तो चलिए सीखते हैं कैसे यूज करेंगे। तो पहले आपको क्या करना है, प्ले स्टोर में जाना है। बहुत ही सिंपल मेथड है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है नेविगेशन बार। देखिए मेरा इसे मैं सर्च किया था, दिखा रहा है नेविगेशन है, इसे पहले वाला जो है सिंपल नेविगेशन कंट्रोल जो है, सिंपल कंट्रोल नेविगेशन बार, इसको डाउनलोड कर लीजिए। देखिए इसका आपको डाउनलोड कर लेना है, डाउनलोड करते हैं। छोटा फाइल है 2 MB का, 2.80 MB, तो डाउनलोड हो गया। चलिए इसको ओपन करते हैं। ये देखिए यहाँ पे दिखा रहा है एसेसिबिलिटी को, आपको इसको ऑन करना पड़ेगा सिंपल कंट्रोल को। तो चलते हैं गो टू सेट में, खुल गया एसेसिबिलिटी, नीचे जाइए स्क्रॉल कीजिए, सिंपल कंट्रोल इसको आपको ऑन कर देना है। देखिए मैं इसको ऑन कर रहा हूँ, ओके, ये भी दिखा रहा है कैसे कैसे करना है सेटिंग, ओके। देखिए ये आपका आ गया, अभी ये नीचे से आएगा, देखिए आपको दिखाई दे रहा है आपको जो तीन बटन है। देखिए मैं इसको अभी बैक करता हूँ, देखिए बैक हो गया सिंपल कंट्रोल में, ये आपका होम स्क्रीन में आ गया, ये आपका कंट्रोल पैनल। देखिए इसको आप चेंज कर सकते हैं, जैसे कि मेरा यहाँ पे बैक है तो ये बैक यहाँ पे आ गया, तो इसको हम चेंज कर सकते हैं। चलिए चलते हैं सिंपल कंट्रोल में, कुछ कस्टमाइज सेटिंग है, ओके, सेटिंग में चलते हैं, ये कुछ ऐड आ गया, क्लोज। देखिए यहाँ पे है, मैं इसकी जगह मैं कर देता हूँ बैक, ठीक है, नहीं ये अब क्या हो गया रिसेंट, मेरा जैसे भी है रिसेंट, और यहाँ पे आ गया बैक, यहाँ पे आ गया होम। लॉन्ग क्लिक के लिए भी आप इसको सेट कर सकते हैं, जैसे कि लॉन्ग टच करना है इस बटन को तो ये कैमरा ओपन होगा, ये चार्ज होगा, ये वॉल्यूम होगा। उसके बाद मोड ऑप्शन में जाते हैं, एनिमेशन, एनिमेशन ऑन है, ठीक है। ऑटो हाइड, ये ऑटो हाइड को आप ऑन कर लीजिए, देखिए शॉर्ट आउट टच, आउटसाइड टच हाइड इसको भी आप ऑन कर दीजिए शॉर्ट। तो इसमें क्या होगा, आपको जब आप इसको बटन को ओपन करेंगे तो कहीं भी दूसरी जगह टच करेंगे तो ये गायब हो जाता है, ठीक है। देखिए जैसे गायब हो गया, कलर आप बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं आपको जो पसंद है अपने हिसाब से, जैसे मुझे ग्रीन अच्छा लगता है मैं ग्रीन कर लेता हूँ। अब देखते हैं, देखिए ग्रीन आ गया, ठीक है, बैक हो गया। देखिए ये ऑटोमेटिक चला जाता है, जब इसकी आपको ज़रूरत हो निकाल लीजिए। ये बहुत यूजफुल है उन लोगों के जिनका फ़ोन का ये बटन ख़राब हो गया है, तो इसको आपको रिप्लेस करने के लिए पूरा डिस्प्ले को, या अगर आपके पास ऐसा सैमसंग का फ़ोन है सुपर एमोलेड तो आपको पूरा डिस्प्ले चेंज करना पड़ेगा, या दूसरा कोई फ़ोन है तो टच पैनल चेंज करना पड़ेगा, तो उसके वजह खर्चे से बच जाएंगे आप। देखिए आ गया,
देख पा रहे हैं ठीक से यूज हो रहा है। होम बैक होम, यहाँ पे टच किया चला गया। तो अपने फ़ोन में भी इंस्टॉल कीजिए और बताइए कमेंट में कि कैसा है, यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही था, छोटा सा ट्रिक था, मैंने सोचा मैं आपको बता दूं। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए, और पसंद नहीं आया तो डिसलाइक कर दीजिए। और जो नए व्यूअर हैं उनको रिक्वेस्ट है कि हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे वीडियो आगे आने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।